हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स अवशेष का तीसरा भाग। बस जितना जानना था वह जान ली। पूरा महानगर पढ़ले का सीन देखेगा। चालू हो जाऊं? ये ले। ये क्या किया? तू पागल हो गया है क्या? पागल होने की बारी तो तुम्हारी है। बस एक नज़र डाल मेरी शक्ल पर नागराज, तू तो वहाँ ऊपर बर्फ़ में कैद था। वो सिर्फ मेरे शल्क थे, पानी में घूमते मेरे शल्क बर्फ़ में ढक गए और मैं यहाँ आ गया तुम्हारे ही साथी के सूट में। पर टेंस गया कहाँ, किसी के काम आ गया। भूख मिटा रहा होगा किसी जानवर की, जैसे कि अब तुम मिटाओगे। तुम लोगों का प्लान जानने के लिए, तुम लोगों को यह विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी था कि मैं आया और नाकाम रहा, बर्फ़ में कैद होकर रह गया। नागराज का आतंक हरता रूप नज़र आने लगा था। आह, जो पुलिस भी था, जज भी और जल्लाद भी, कड़ 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 कड़। यही बम लगाकर तू डैम को उड़ाना और महानगर में पड़ले लाना चाहता था ना? ये अभी भी फट सकता है। कमाल है, तू अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि अब तक तू डर से मर गया होगा। चल अच्छा ही है, क्योंकि तेरे लिए मैंने वह मौत सोच रखी है जो मैग्नम ने महानगर वालों के लिए सोची थी, यानी जल समाधि। हम हवा में रहे या पानी में, फर्क नहीं पड़ता। प्रस्तर नाग, तो तुम भी जा मिले हो मैग्नम से, और तुम्हारे यहाँ पर होने का अर्थ यह है कि मैग्नम को मेरे आने का भरोसा था। मैं उसी के साथ हूँ जो मेरे अनुकूल माहौल बनाएगा। इच्छाधारी रूप तो सिर्फ 100 वर्षों में मिल जाता है नागराज, और सहस्त्रधारी रूप 1000 वर्षों में, पर प्रस्तर रूप 2000 वर्षों में मिलता है। मैंने मानवों की प्रगति के कारण कई प्रजातियों को मरते देखा है, और मैग्नम इस प्रगति का रुख वापस मोड़ना चाहता है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। एक सनकी खून के प्यासे हत्यारे के साथ, होश में आओ प्रस्तर। प्रगति की या विनाश की धारा हम ना चलाते हैं ना मोड़ते हैं। कई मानव खुद भी अन्य प्रजातियों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ है, पर उनको रोकने का तरीका उनकी सामूहिक हत्या नहीं हो सकता। मैग्नम को मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, और मैं तुमको उसे रोकने नहीं दूंगा। थर्मल बम अभी भी आधा सलामत है। इस डैम को तोड़ने के लिए आधा ही बहुत है। डैम टूटने से पहले मैं तुझे तोड़ दूंगा। तुम्हारे नाग स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है नागराज, पर प्रस्तर का चट्टानी शरीर ज़्यादा कठोर है। तुम्हारा शरीर प्रस्तर के कठोर शस्त्रों को सहने योग्य नहीं है, और ये शस्त्र मेरे विष में बुझे हुए हैं। ये तेरे शरीर के स्नायु तंत्र को जगह जगह से काट कर मेरे शरीर तेरे शरीर को पंगु कर देंगे, और मेरा तेरे दिमाग को। उसके बाद मैं तुझे बहुत धीरे धीरे मारूंगा, उतना ही तड़पा कर जितना मैं तड़पा हूं। मेरा प्रतिरोधक तंत्र मेरे स्नायु तंत्र को भी ठीक कर लेगा, और इसके विष की काट भी बना लेगा। पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वक्त के लिए मुझे अपने शरीर को फैलाकर इस विष के शरीर में फैलने की गति को धीमा करना होगा, और साथ ही साथ प्रस्तर की भी। आ, पानी की अभेद दीवार। नागराज संभल रहा है, अगर एक बार यह संभल गया तो यह मुझे संभलने नहीं देगा। मेरे पाषाण नाग नागराज द्वारा खड़ी की गई पानी की दीवार को काट कर उस तक पहुंच जाएंगे। बात होगी नागराज के अंत की। ये सर्प भी मेरी तरह जीवित पाषाण कोशिका से बने हैं, इसलिए ये बहुत तेजी से द्विगुणित होंगे, और देखते ही देखते नागराज का फैला हुआ शरीर इनकी कैद में होगा, गेहूं की तरह दो पाटों के बीच में पिसने के लिए तैयार। देखता जा नागराज, अब इस डैम का और तेरा अंत एक साथ ही होगा। तल में छेद तो मैंने कर दिया है, अब बस थर्मल बम को
सीक्रेट कोड से एक्टिवेट करना है। ये 2 मिनट बाद फटेगा और इसकी लेजर रेज डैम की दीवारों को कागज की तरह काट डालेंगी। कुछ ऐसा ही हाल तेरा होगा और तेरी मौत की खबर से पहले महानगर वालों तक खुद मौत पहुंच जाएगी। तुम ऐसे भाग नहीं सकते प्रस्तर, या तो तुम मुझे कोड बताओगे ताकि मैं थर्मल बम को बंद कर सकूं, या फिर तुम मेरे साथ यहीं पर मरोगे। कमाल की शक्ति है तुझमें नागराज, शारीरिक भी और मानसिक भी, पर ये शक्तियाँ अब तेरे काम नहीं आएंगी क्योंकि पाषाण सर्प तुझे पीस कर तेरा कचूमर बना देंगे। आह, पानी के भीषण दबाव को तो नागराज अब तक किसी तरह सह रहा था, पर पाषाण सर्पों का दबाव उसकी सहन शक्ति को भी तोड़ रहा था। ठीक है प्रस्तर, अगर मैं नहीं बचा तो महानगर नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। फटने दो बम को, छोड़ दे नागराज, जाने दो मुझे। तू बम को बगैर डिफ्यूज किए यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने ऐसा किया तो मैग्नम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी थर्मल ब्लास्टर को एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद बंद नहीं किया जा सकता। अब तो यह फटकर ही रहेगा, चाहे मैं मरूं या जीऊं। वैसे तू अपनी ओर महानगर वालों की चिंता कर, मुझे तो यह थर्मल ब्लास्ट भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बम फटे या ना फटे सोचने का यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि बांध को टूटने से कैसे बचाया जाए। चाहे बम फटे या ना फटे। बिंगो, मुझे अंदाजा था कि प्रस्तर का मजबूत शरीर बम के खतरनाक प्रभाव को ज़्यादा दूर तक फैलने से रोक लेगा। मेरे शरीर पर लिपटी जहरीली कोशिकाएं भी इसी के प्राण तंत्र से जुड़ी हुई थी, इसीलिए इसके नष्ट होने के साथ साथ मेरे शरीर पर लिपटी इसके पाषाण सर्पों की कोशिकाएं भी नष्ट हो रही हैं। पर प्रस्तर सिर्फ नष्ट हुआ है, मरा नहीं है। उसकी कोशिकाओं को फिर से जुड़ने में चाहे समय लगे पर वे जुड़ेंगे जरूर। प्रस्तर वापस आएगा, पर अभी तो मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। सच पूछो तो यह बांध उसी के कारण बच पाया है। शाबाश नागराज, अगर तुम प्रस्तर के हाथों मारे जाते तो मुझे बहुत अफसोस होता। सच पूछो तो मेरा जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाता, और फिर धरती वालों तक मेरा संदेश कौन पहुंचाता? मैग्नम, पहले मुझे थैंक यू बोलो। दरअसल जिस मुखबिर ने तुमको डैम उड़ाने की योजना की खबर दी थी, उसको खबर हमने खुद ही दी थी। यानी तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ और इनको डैम उड़ाने से रोकूं, पर क्यों? यह तुम समझ सकते तो मैग्नम बन जाते। यानी तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ, यानी इस वक्त मैं यहाँ पर रहूँ और तुम कहीं और अपना काम आराम से कर सको। लो, तुम तो समझ गए। वैसे मेरा काम हो चुका है, अब पूरी दुनिया की जान मेरी मुट्ठी में है। 300 करोड़ जिंदगियाँ सिर्फ तब तक जिंदा हैं जब तक मेरा इशारा नहीं होता, और यही खबर तुमको इस दुनिया को चलाने वाले अपने आकाओं तक पहुँचानी है। सुनो, मैग्नम बोलता गया और नागराज की आंखें फैलती चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने ऐसा कर दिया है और अब दुनिया वालों के पास मेरी शर्तें मानने के लिए सिर्फ 1 महीना है, सिर्फ 35 दिन। अब तुम सोच रहे हो कि इस फोल्ड क्यूब में मौजूद फ्रीक्वेंसीज को की मदद से तुम मुझे ट्रेस कर लोगे, पर पहले तुम अपना हाथ बचाओ, क्योंकि काम हो जाने के बाद यह हो जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। उफ, इतनी गलतियाँ 300 करोड़ की आबादी और 35 दिनों का महीना, और उस पर से माथे पर कवच लगाए नागराज। यह गलतियाँ ही हैं या हम गलत समझ रहे हैं? कहीं हमारी दुनिया किसी तरह से बदल तो नहीं गई? और अगर अब तक नहीं बदली तो क्या ये सारे संकेत बदलाव के हैं? अगर हैं तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव का रास्ता अक्सर विनाश के द्वार से होकर जाता है। मैग्नम ब्लफ मार रहा है
वह ऐसा कर ही नहीं सकता। मत भूलिए गवर्नर साहब कि उसके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, और मुझे पूरा यकीन है कि अब तक उसने उस गैजेट के कई प्रतिरूप बना लिए होंगे। वह इसी बात का फायदा उठा रहा है। यह कोई नहीं जानता कि वह गैजेट काम करने लायक था भी या नहीं। उसने कहा है कि अगर 30 घंटे तक उसको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह अपनी शक्ति का नमूना दिखा देगा। अगर वह सच कह रहा है तो कयामत के बटन पर मैग्नम ने अपनी उंगली रखी हुई है और हम उसको रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं, सिर्फ एक रास्ता है। हमको 30 घंटों के अंदर अंदर मैग्नम तक पहुंचना पड़ेगा। मरने या मारने का वक्त आ गया है मेरे नागो। पूरी दुनिया के चप्पे पर फैल जाओ और मैग्नम के हर ठिकाने को तबाह कर दो। चूहा तभी बिल से बाहर आता है जब बिल में पानी भर जाता है, पर तब कोई क्या करे जब चूहा बिल में ही ना हो। हमने मैग्नम के सभी ज्ञात ठिकानों पर रेड की, पर कुछ पता ही नहीं चला। बल्कि कुछ ठिकानों पर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैग्नम को हमारे आने की खबर हो गई हो और वह तुरंत तुरंत ही वहां से निकला हो। इसका मतलब कोई हमारे मूवमेंट की खबर मैग्नम तक पहुंचा रहा है। कौन हो सकता है वह शख्स? इसी का तो पता लगाना है सोडांगी। अगर हम उस शख्स तक पहुंच गए तो मैग्नम भी हमारे सामने होगा। मैग्नम का पता सिर्फ एक शख्स जानता था, खुद मैग्नम। हमने पूरी कोशिश की मैग्नम, पर पता नहीं हम अपने प्रयास में पूरी तरह से सफल हो पाए या नहीं। हमें नागराज का सामना करना पड़ा। हमारी इच्छा तो उससे लड़ते हुए जान देने की थी, पर आपके आदेश के अनुसार हम अपने अंगों का बलिदान करके आपको सूचना देने के लिए वापस आए। तुम असफल नहीं हुए। मुझे पुराने नगर से सिग्नल मिल रहे हैं। अब बस फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। मैचिंग 90% कंप्लीट। मैचिंग 90% कंप्लीट। मैचिंग 100% डन। मैचिंग 100% डन। आ आ, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब दुनिया को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। उसे मेरे नियमों के अनुसार चलना ही होगा, चाहे मन से या मर मर के। अब आखिरी प्लान यहाँ का। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा है यहाँ पर। उधर कोई है। मैडम को खबर करो तुरंत। तब तक हम देखते हैं। मैडम, यूनिट 23 से बोल रहे हैं। हम सेक्टर 48 में हैं। यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। कौन, कैसा है वह? अभी देखा नहीं है मैडम। हम उसी के पीछे जा रहे हैं मैडम। हे शेषनाग, इस प्रजाति का प्राणी तो मैंने पहले कभी देखा नहीं देखा मैडम। और इधर फिर एक और बोर दिन। जाकर कंट्रोल पैनल के सामने बैठ जाओ और नजरें दौड़ाते रहो। कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए यार। हाँ यार, पिछली बार पावर यहाँ 100 साल पहले गई थी, वह भी 5 मिनट के लिए। सुन, हड़ताल करते हैं। किस बात पर? सैलरी मोटी है, सारी सुविधाएं फ्री में मिलती हैं, और क्या चाहिए? तो फिर भगवान से दुआ मना कि भूकंप आ जाए और यह बिल्डिंग ही गिर जाए। एक्साइटमेंट भी होगा और छुट्टी भी मिलेगी। भगवान तो नहीं, पर शैतान जरूर उसकी सुनने वाला था। सुनो महानगर के वासियों, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को मैंने अपनी शर्तें मानने के लिए एक दिन का समय दिया था। अब उसमें सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। लो नागराज, यहाँ पर हमको अपनी नाक के खबर सुनाने आए थे, और वहां पर मैग्नम अपनी कामयाबी का लहराता झंडा दिखा रहा है। अभी पता चल जाएगा कि यह ब्लफ मार रहा है या नहीं। ये इसको पकड़ने का अच्छा मौका है काउंसलर। मैग्नम इतना मूर्ख नहीं है। ये उसकी लेजर इमेज है। इसके पास जो कुछ भी जाएगा खाक हो जाएगा। इस इमेज को ट्रेस करो। पता करो कि ये कहाँ से प्रोजेक्ट की जा रही है। ये इस ड्रामे का सिर्फ आधा भाग था। बाकी आधा भाग यहाँ पर खेला जाना था। समझ में नहीं आता, पहले से ही गिरने के लिए तैयार इमारत को गिराने के लिए ये नमूने कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? हमारा काम सवाल पूछना नहीं, सुरक्षा करना है।
और वह हम अपनी जान देकर भी करेंगे। पता नहीं मर जाना वफादारी निभाने का कौन सा पैमाना है, पर अगर तुम लोगों को वफादारी ऐसे ही दिखानी है तो सुंडा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सुंडों का खिंचाव किसी वैक्यूम पंप की तरह शक्तिशाली था और इसको रोकने का एक ही तरीका था, सक्शन का रास्ता रोक देना। शक्तिशाली वार है, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो सुंडा के खिंचाव को रोक दे। सोडांगी, पता तू कहाँ से आया है और क्यों आया है? आप तो सचमुच सोडांगी लग रही हो, पर आप तो असंभव, मुझे भ्रम हो रहा है। अभी फैसला हो जाएगा, तू सोडांगी है तो मुझसे बचकर दिखा। भक 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 भक, अब तेरी सुंडों में ना हवा रहेगी ना ही हवा का दाब। हाँ, ये क्या, किसमें इतनी शक्ति और इतना साहस है कि मेरे तंत्र को काट सके? ये नहीं हो सकता। और ठीक इसी वक्त, अरे जमीन में एकाएक गड्ढा कैसे हो गया? जरूर पुरानी नगरी में किसी ने जमीन खोदी होगी। हा हा हा, अब मियाद बीतने में सिर्फ एक मिनट बचा है, उसके बाद तुम सबकी जाने मेरी एक उंगली पर टिकी होगी। यह सच था, सोडांगी ने सुंडा पर जो घातक वार किया था उससे हुए गड्ढे का असर यहाँ पर नजर आ रहा था। इस विनाश को टालने की कोशिशें जारी थी, चाहे अनजाने में ही सही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसकी शक्ल तो मेरे जैसी होनी संभव है, पर इसकी तो शक्तियाँ भी मेरी शक्तियों का ही दूसरा रूप है। सुंडा, जल्दी करो, ध्वस्त कर दो इस इमारत को। पता नहीं मैं इसको कितनी और देर तक रोक पाऊंगी। हमने इस नगरी की सुरक्षा का वचन दिया है, मैं कम से कम जान रहते तो ये वचन नहीं टूटने दूंगी। तुमने अपनी शक्तियों का रुख इमारत की तरफ मोड़कर अपनी सुरक्षा को कमजोर कर लिया है। हटा लो ये कवच, वरना बेमौत मारी जाओगी। सुडांगी अपनी जान दांव पर लगाकर अपने कर्तव्य को पूरा कर रही थी। आहा, मैंने शीतनाग और नागू को भी यहाँ पर बुला तो लिया है, लेकिन पता नहीं उनके यहाँ पर आने तक मैं टिकी रह पाऊंगी या नहीं। मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। मदद अभी पहुँची नहीं थी और सुडांगी की शक्ति क्षीण होने लगी थी। हाँ हाँ, ये गिर रहा है, मिट रहा है। देखो मैंने कुछ किया भी नहीं और ये विनाश शुरू हो गया। अब ये पूरी इमारत गिरेगी और महानगर का एक भाग अंधेरे में डूब जाएगा। अंधेरा जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ। पर यह इमारत गिर क्यों नहीं रही? अब तक तो इसको गिर जाना चाहिए था। बस कहीं कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ तो हो चुकी थी, पर सुडांगी के लिए उसके होश तेजी से गुम हो रहे थे और मदद अभी भी दूर थी। इसको कहते हैं आत्महत्या करना। अब तू इमारत के खंडरों को गिरा सुंडा, और मैं इसको गिराती हूँ। सुडांगी का वार तो चला पर अपने निशाने तक पहुँच नहीं पाया। अरे ये कैसा अजीब सा विरोध है, और इसमें मेरे वार को रोकने की क्षमता भी है। हाँ, ये क्या चीज़ है, और इस पर मेरा तंत्र वार क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये नागरानी के काले बाल हैं, किसी भी तंत्र शक्ति को सोख लेने की क्षमता है इनमें। नागरानी यानी कि नागरानी ऐसा भी कहीं होता है, पर तू यहाँ पर कैसे आ गई? यह तो मैं भी नहीं जानती, पर अगर मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ तो इसका कारण कुछ जरूर होगा। मेरे रहते यहाँ पर कोई और विनाश नहीं होगा, पर नागरानी अपने दुश्मन को पीछे हटने का एक मौका जरूर देती है। वापस चली जाओ सुंडा, गड़बड़ है। अपना काम जल्दी पूरा करो, इस ढांचे को गिरा दो, पूरी ताकत लगाओ। उम्फ, नहीं कर सकता, बालों ने पूरे ढांचे को घेर लिया है। तो अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, मुझे तो यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा है। वापस चलो। ना मुझे अपने यहाँ पर आने का कारण समझ में आ रहा है और ना ही इनके आने का कारण। सुडांगी तुम कहाँ? अरे नागरानी तुम यहाँ पर कैसे, और सुडांगी को क्या हुआ?
ये अपनी जान की परवाह न करते हुए इस खंडर को बचा रही थी। अगर मैं वक्त पर ना आती तो ना तो खंडर बचता और ना ही छुड़ांगी। पर इस पर हमला करने वाले थे कौन? ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस खंडर को बचा रही थी। अगर मैं वक्त पर ना आती तो ना तो खंडर बचता और ना ही छुड़ांगी। पर इस पर हमला करने वाले थे कौन? छुड़ांगी, छुड़ांगी मतलब दूसरी छुड़ांगी। दूसरी छुड़ांगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बताओ कि ये सब क्या है? इन खंडरों में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात धड़े हैं जिनको बचाने के लिए तुम लोग मरने को भी तैयार हो? शीतनाग पूरी नगरी के उभरने और यहाँ पर विचित्र घटनाओं के घटने की दास्तान सुनाता चला गया। मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ। यह जरूर किसी दूसरे डायमेंशन का चक्कर है, ऐसे ही किसी दूसरे डायमेंशन का जहाँ से मैं आई हूँ। और यह पुरानी नगरी उस आयाम से इस आयाम में आने का द्वार है, खुला रास्ता। उस आयाम से इधर आने वालों के इरादे क्या हैं यह मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। और तुम्हारा आना इस बात का सबूत है कि यह खंडर एक आयाम द्वार है। इनकी माने तो सभी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस नगरी को ध्वस्त करना पड़ेगा, पर पहले नागराज से सलाह करनी होगी। इन सभी बातों को मद्देनजर पर पहले नागराज से सलाह करनी होगी। बताओ कहां पर मिलेगा नागराज? मैं छुड़ांगी को लेकर उसके पास जाऊंगी और उसकी राय जानूंगी। नागराज तो महानगर में ही मिलेगा, पर किस स्थान पर यह बताना मुश्किल है। नागराज की सहमति मिलते ही हमको इस नगरी को नेस्तानबूद करना होगा नागू, एकदम शॉर्ट नोटिस पर। यह स्पेशल इफेक्ट डिपार्टमेंट तो अपना है सीतू, बस तू देखता जा। ऐसे उड़ाऊंगा इस महाद्वीप को जैसे तूने असलियत तो दूर किसी हॉलीवुड फिल्म में भी नहीं देखा होगा। एक सेकंड में पूरा द्वीप शुम धुआं और गायब। मैग्नम के दावे में दम लग रहा है। अगर यह बात जनता तक पहुंच गई तो चारों तरफ बदहवासी का माहौल फैल जाएगा। ऐसा नहीं होगा नागराज। तुमने मैग्नम को देखा? उसने पावर ग्रिड की इमारत गिरा दी। छुड़ांगी तुम कहाँ थी? मैग्नम के दिखने की खबर पाकर पावर ग्रिड की मेन बिल्डिंग की तरफ चली गई थी, पर मेरे वहां पहुंचने तक वह जा चुका था। हमें उसको ढूंढना होगा नागराज। अब उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी छुड़ांगी, क्योंकि अब से वह मुझे ढूंढेगा, क्योंकि जिस प्राचीन नगरी को वह गिराना चाहता है उसे मैं किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। मैं खुद जाऊंगा उस प्राचीन नगरी की रक्षा करने के लिए। अब जो वहां से एक ईंट भी हिलाएगा वह मौत से साक्षात्कार करेगा। एक तरफ प्राचीन नगरी को नेस्तानबूद करने का दृढ़ इरादा और दूसरी तरफ यह महाशक्तिशाली नागराज की शपथ। क्या सूर्य से सूर्य टकराएगा और आसमान हो जाएगा लाल? जारी रहेगी ये चुनौती। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है चुनौती। मिलते हैं उसी कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।